नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले के शुकवाहा थाना पुलिस ने कार और बाइक से साइलेंसर चोरी करने वाले लोगों को नकली पुलिस बनकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मुठभेड़ के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह नकली पुलिस बनकर लोगों से ठगी किया करता था। इसके साथ ही कार और बाइक के साइलेंसर निकाल लेते थे। पुलिस को इनके पास से चोरी के साइलेंसर बरामद हुए हैं। कोतवाली में CEO कमलेश कुमार ने वार्ता के दौरान बताया कि शनिवार देर रात्रि 2 बजे के करीब थाना प्रभारी प्रदीप कुमार अपनी टीम के साथ भूड़ा नहर पुल पर चेकिंग कर रहे थे, तभी नहर पटरी पर 3 संदिग्ध बाइकों पर 3 युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने जब युवकों को रोकना चाहा तो वह भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने इनकी घेराबंदी कर मुठभेड़ के दौरान 3 अपराधियों को पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम कुलदीप निवासी नगला दुर्जन थाना ओंछा जिला मैनपुरी, वसीम निवासी रामपुर थाना चंडौस जिला अलीगढ़, सरताज निवासी बकायन थाना हसायन जिला हाथरस बताया है। पुलिस को आरोपियों के कब्जे से 3 बाइकें, 24,000 रुपये, साइलेंसर की चिमनी, मिट्टी के टुकड़े, 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके साथ ही पकड़े गए आरोपियों ने नकली पुलिस बनकर 21 सितंबर को कुलदीप नाम के व्यक्ति से पंजाब नेशनल बैंक के समीप 50,000 रुपये की टप्पेबाजी की थी। 5 लोगों को की सूचना मिली थी, पुलिस गई तो मौके से 2 लोग भाग गए और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जब पूरी पूछताछ हुई उनसे तो उनके पास से जो है तमंचे मिले हैं, ये कुछ साइलेंसर होते हैं गाड़ियों के, उनकी जो मिट्टी होती है वो भारी मात्रा में मिली है, कारतूस मिले हैं, कुछ खोखे मिले हैं, और इसके अलावा एक व्यक्ति उसमें है कुलदीप नाम का। इसने सिकोहाबाद में पिछले 2 महीने से ये लगातार चक्कर काट रहा था और इसने कई घटनाएं यहाँ पे कारित की है। कभी पुलिस वाला बन के टप्पेबाजी कर गया है, कभी कहीं चोरी कर ली है, और ये बड़ा हट्टा कट्टा आदमी है। कल जब इसको पकड़ा गया है तो इसके पास से जो है बरामदगी हुई है लगभग 25,000 रुपये पुराने मुकदमों की। और इसके अलावा ये जो इसके 3 अन्य साथी हैं जिसान, आमिर, शाहरुख, ये सभी जो है ओछा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और एक जो इनमें इनका दूसरा गैंग जो था जो अलीगढ़ से आया हुआ था, इनके साथ जो है इन लोगों का ये व्यापार चलता है तमंचों का और ये जो मिट्टी का, तो उसमें जो दूसरा गैंग था वसीम और सरताज, ये लोग आए थे, इनमें आपस में लेके इनमें कुछ कहा सुनी हो गई, वहाँ विवाद हुआ, पुलिस पहुँची और इनको लेके आई, तो ये पूरी घटना का जो है खुलासा हुआ कि इस तरीके से ये शहर में आते थे, ये सब क्राइम करते थे और लोगों से लूट मार भी करते थे। कितने समय से ये काम कर रहे हैं और कितने मुकदमों में ये अलीगढ़ पुलिस में पहुंचे? ये जो मिट्टी वाला कार्य है ये पिछले 1 साल से ये लोग कर रहे हैं, और इस मिट्टी का जो है उपयोग जो होता है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि गाड़ियाँ जो गैराजों पर जाती हैं वहाँ से ये मिट्टी निकाली जाती है और गाड़ियों के साइलेंसर बदल दिए जाते हैं, और इसका उपयोग जो होता है कभी बारूद बनाने में, कभी जो इसका उपयोग होता है उस मिट्टी को उसमें से कुछ बताते हैं कि प्लैटिनम निकालने में किया जाता है। इसकी पूरी जांच की जा रही है कि आखिर ये क्या उपयोग में लाया जाता है। पुराना आपराधिक इतिहास भी है इनका? हाँ, इनका पुराना आपराधिक इतिहास है, सभी का पुराना आपराधिक इतिहास है, और इसमें जो लोग पुराना इतिहास है और जो लोग एक्चुअल काम कर रहे थे उनको पकड़ा गया है।